किसानों की बात करती है कि दुगने दाम दे देंगे, आपकी नजर में क्या अभी तक? अजब, आप बताओ दुगने दाम मिल रहे क्या भाई? आप अभी धान खरीद चल रही है जो उनका सरकारी रेट है 1900 रुपया और धान 1200 रुपये पे है, तो 1200 रुपये जो है वो डॉलर है, 1200 रुपये डॉलर थोड़ा है, इंडियन करेंसी है। अब झूठ सबसे ज्यादा बोलने वाली सरकारें हैं और अपने किसी को आने नहीं देती, मतलब झूठ बोलने में भी किसी को दूसरे को आने नहीं दे रही। अब बताओ 1200 रुपये में धान बिक रहा है 1000 से 1200 में, और कह रहे जी हम दुगने रेट पे धान खरीद रहे। किसान इनको 5 साल में होने वाले हैं, 5 साल में 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे किसान इनको? भाई किसान तो इनको 0 देगा, ऋण में हो कोई नंबर तो बताओ, 0 देगा किसान इनको, 0 बिल्कुल। किसान बहुत तंग है, किसानों के लिए गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं नहीं करा। बिजली अब जाने वाली है, और भी परेशानी है, ये बिजली प्राइवेट में बेचेंगे, सब लोग ध्यान से सुन लो, अभी 7 रुपये यूनिट है या यूनिट सिद्धि 15 होगी, प्राइवेट में जाएगी, कोयले की कमी दिखाएगा, बिजली बेचेंगे बेचेंगे ये एक उसमें निपटा देंगे सारे को। 2024 लोग को अगर ये बीच में नहीं गए, ये मोदी नहीं हटा, किसानों के लिए कानून काले हैं और देश के लिए मोदी काला है। जितना जल्दी चला जाए कुछ राहत मिल जाएगी, सारा देश बिकेगा, सब बिकेगा। सर 2022 में डबल करने की बात कर रहे हैं ना, वो पहली जनवरी से देख लेंगे ना, पहली जनवरी से फसलें दुगने रेट पे बिकेगी क्या? अभी तो आधे रेट पे बिक रही, पहली जनवरी से कह रहे हैं कि दुगने रेट पे बिकेगी। देश के लिए किसानों के लिए कानून काले हैं और देश के लिए मोदी काला है, मिल गई भारतीय किसान यूनियन। जितने ये किसान करवाते हैं क्या कहना? देखो आयोजक करने वाले लोग हैं और भारतीय किसान यूनियन इस आंदोलन को इसको कर रही है, जो सामाजिक एक किस्म से ये सामाजिक आंदोलन है, ये भी एक सामाजिक आंदोलन है, इसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और इसमें जो एक टीम है, टीम वर्क है पूरा, इसमें प्रशासन का भी सहयोग है, इसमें मंडी का भी सहयोग है, इसमें पुलिस का भी सहयोग है, यहाँ के पत्रकारों का भी सहयोग है, यहाँ के दुकानदार जो व्यापारी है उनका भी बड़ा सहयोग इसमें है, और ये सब मिलजुल के एक टीम वर्क के माध्यम से ये प्रोग्राम करते हैं। ये खुशी का माहौल, इससे पहले किसान बड़े परेशान थे, मांगे उजाड़ दी जाती है मंडियों के द्वार। बिल्कुल, मांगे अलग चीज है, ये जो आज का है, ये जो परिवार है इनके लिए बड़ी खुशी है कि सामूहिक रूप से आज इतने लोग पारिवारिक बंधन में बंध रहे हैं। ये तो हमारा ये है कि इस तरह के प्रोग्राम चलते रहें और जिलों में प्रोग्राम चले, एक किस्म से ये सामाजिक आंदोलन है, ये आंदोलन चलता रहना। लखनऊ में आंदोलन करने जा रहे हैं आप? वो 26 तारीख में मीटिंग होगी वहाँ पर बड़ी पंचायत। क्या क्या मांगे रहेंगे आपकी? मंत्री केंद्रीय जो केंद्रीय राज्य मंत्री गृह राज्य मंत्री है उसका इस्तीफा और उसकी गिरफ्तारी, आगरा की जेल में बंद हो और वहाँ से उनको फिर बाहर जाए। अभी जो पुलिस प्रशासन उनके लड़कियों पर जो कार्रवाई करी, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, वो रेड कार्ड पे गिरफ्तारी है और गुलदस्तों के साथ में पूछताछ है, उससे संतुष्ट। किसान अगर ये मांगे नहीं मांगते, इनकी मांग नहीं पूरी होती तो क्या करना है? आंदोलन आंदोलन।